सर बताया जाए क्या मामला है। 7 मार्च को कोतवाली थाना अंतर्गत डाक बंगला चौराहे के पास एक घटना हुई थी, जिसमें एक स्वर्ण व्यापारी की करीब 2 किलो से थोड़ा अधिक सोना जो है लूट लिया गया था। तो उसका जो है हमारी एक टीम बनाई गई उसके आलोक में घटना को सफल उद्भेदन करने के लिए और अनुसंधान करने के लिए, वो DSP लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में कुछ इंस्पेक्टर्स और अलग ऑफिसर्स का, जिसका लिस्ट आपको दिया जाएगा, एक टीम बनाई गई। उन्होंने काफ़ी जल्दी जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, टेक्निकल एंगल से इन्वेस्टिगेट किया और CCTV को खंगाला गया और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो गैदर किया गया। और उसके बाद जो है कल जो है हमारा इस कांड में सफल उद्भेदन हो गया है और कांड में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और कांड में जो भी गाड़ी प्रयुक्त हुए थे वो तीनों गाड़ियों को जब्त किया गया और जो बाकी जो कांड में संलिप्त जो अभियुक्त हैं उनका भी हम लोगों ने नाम पता कर लिया है, परंतु अभी जो है उनका इन्वेस्टिगेशन क्योंकि अभी जारी है, उनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है इसी वक्त, तो उनके बारे में सूचना आगे दी जाएगी जब उनकी गिरफ्तारी और अलग रिकवरीज होंगी। तो फिलहाल जो है हम लोगों ने इस कांड का सफल उद्भेदन कर लिया है, एक व्यक्ति गिरफ्तार है और जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसका नाम है सैयद अली रजा हाशमी, पिता सैयद अली अहमद हाशमी और ये रहने वाले हैं खाजे चांद छपरा थाना गरौली के। और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसमें से 2 मोटरसाइकिल जो है अनुसंधान में अभी तक आया है कि वो चोरी के थे, जो कि सैयद अली रजा हाशमी के जो इनका पैतृक घर है, परमानेंट हाउस है, उसी के आसपास से भी चोरी हुई थी, ऐसा भी अभी आया है अनुसंधान में। और इसमें अग्रतर अनुसंधान जब होगी और जो बाकी जब रिकवरीज होंगी और जो लोगों को गिरफ्तार की जाएगी तो उसके बाद आप लोगों को इसकी सूचना अलग से दी जाएगी। धन्यवाद। ये रहने वाला छपरा का है, लेकिन प्लानिंग कब और कैसे किया? जी ये बेसिकली पटना कॉलेज के पास में एक एरिया है, वहाँ पे ये लोग लॉज में रहते थे और वहीं पे जो है घटना की प्लानिंग की गई और वहीं से घटना का ओरिजिन मतलब सोर्स वहीं था जहाँ से स्टार्ट हुआ घटना के दिन घटनाक्रम पूरा, और वहीं पे लोग घटना करके गए भी थे और वहाँ पे जो है सब लोग असेंबल हुए, वहीं पे दोबारा असेंबल हुए घटना के बाद, तो इसलिए वहाँ पे जो है प्लानिंग का हम लोग कह सकते हैं कि वहीं की गई और जो कि पटना जिला के अंतर्गत ही पीरबोर थाना क्षेत्र में पड़ता है। इसके अलावा जो है जो भी और बातें हैं उसको क्योंकि अनुसंधान अभी चल ही रहा है तो इससे आगे मैं आपको जब भी गिरफ्तारी होगी तो आपको सूचना दी जाएगी। हाँ, इनका क्योंकि इनके जो जगह थी इनकी वहाँ पे ही एक्चुअली असेंबल हुए हैं ये लोग घटना के बाद भी, जो भी लूट का सामान था वो भी इनके घर पे ही आया है और पूर्व के रात में भी इनके घर पे असेंबल होकर के लोगों ने खाना पीना वहीं किया है, तो इसलिए इनका जो है प्रमुख भूमिका थी इस घटना को अंजाम देने में। कारोबारी को पूर्व परिचित थे, जो पीड़ित हैं, जो अपराधी हैं, उन्होंने पूर्व परिचित थे कि घटना भोला चौराहे जैसे इलाके में होगा। देखिए, इस संबंध में हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो दिल्ली के रहने वाले हैं जो कि बंगाल के ओरिजिनली रहने वाले थे जो पीड़ित है, और ये क्योंकि ये छपरा और बिहार के ही रहने वाले हैं, तो अभी तक जो है अनुसंधान में नहीं आया ऐसा कुछ ऐसा, लेकिन अगर आता है तो इसको लाया जाएगा। ये सवाल ये है कि इसी कारोबारी को टारगेट कैसे किया? जी, इसकी देखी की गई है, ये की गई है और इस संबंध में अग्रतर अनुसंधान के बाद ही आपको बताएंगे, क्योंकि अनुसंधान जारी है, रेड्स हो रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया, इसे सब कुछ इसमें बताना अभी संभव नहीं है कि क्या क्या हम लोगों ने उद्भेदन के क्रम में बाकियों के नाम क्या है, बाकियों के संबंध में क्या क्या चीज़ें आई है, ये अभी बताना उचित नहीं होगा। देखिए, अभी कम से कम 5 लोगों के नाम आए हैं, इसके अलावा भी नाम आ सकते हैं, लेकिन वो जो है अनुसंधान में आगे आएगा तो आप लोग को बताया जाएगा। गिरफ्तार है क्या पट्टा पर इसके स्टूडेंट हैं? नहीं, स्टूडेंट नहीं है, ये मोस्टली एल्यूमनाई है, वहाँ के पास आउट होने के बाद भी ये लोग वहीं रहते हैं, तो अभी तक जो आया है ये स्टूडेंट थे, प्रेजेंटली आई थिंक एडमिटेड भी हो सकते हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये वहाँ से मास कम्युनिकेशन में इन्होंने पास आउट हो चुके हैं वहाँ से। जी, NSU वाई से कब जुड़ा था ये? इसके संबंध में अभी आपको एग्जैक्टली बता नहीं सकता कि कब जुड़े थे कब नहीं थे, ये बेसिकली इनका कुछ लिंक है जो अगर तो अनुसंधान में आएगा। अगर ऐसा गाड़ी पे प्रेस भी लिखा हुआ है सर? जी, ये सब तो अनुसंधान में आएगा, अनुसंधान का विषय। चोरी की बाइक जी, जो मैंने बताया आपको 2 गाड़ियाँ चोरी की अभी तक पाई गई है, 3री गाड़ी के संबंध में अभी जांच कर रहे हैं कि कहाँ से चोरी की गई। ठीक है, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब?
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।